During floods, there's water all around, but there's hardly a drop of safe water. This whole concept of Make Pine Abhiyan worked as an informal network and a campaign in the flood-prone areas of North Bihar in 5 districts, along with 5 local organizations, and trying to see as to whether there is any need to look at groundwater, which apparently is the biggest source for drinking water, for agricultural purposes, and also for the other domestic chores. एक संस्था है वाटर एक्शन, जो पश्चिम चंपारण में ग्राउंड वाटर से संबंधित अध्ययन के काम से जुड़ी हुई है। बाढ़ का एक टाइपोलॉजी है, उस टाइपोलॉजी में हमने काम शुरू किया, जिसमें ट्रांस बाउंड्री है, फ्लैश फ्लड है और वाटर क्वालिटी का प्रॉब्लम्स है। उसी पर आधारित हम गौनाहा के कैरी एक गाँव है जो नेपाल से सटे हुए है, इंडिया का सबसे लास्ट गाँव है, उसके बाद में नेपाल का बॉर्डर हो गया है, उसके बाद में नेपाल का एक बांदर झूला गांव है उसमें, और इसमें लेकर के हम लोग ट्रांस बाउंड्री में ग्राउंड वाटर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हमारे पास कुआं था, 55 के आसपास का इसका निर्माण हुआ था, उसके बाद ज़मीन के बराबर हो गया, इसका रख रखाव समाप्त हो गया, फिर धीरे 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 इसका यूज समाप्त हो गया, अपने अपने घर में लोग चापाकल लगा लिए। नहाना खाना पीना जितना भी काम है सब चापाकल से ही होता है। जितनी नदियाँ उत्तर बिहार में बहती हैं वो सारी की सारी नदियाँ खगड़िया में आपको मिल जाएंगी। कोसी, कमला, बलान, बूढ़ी गंडक, गंगा, बागमती, उसके अलावे अधवारा समूह की सारी नदियाँ इसी जिला में आके मिलती हैं, महानंदा को छोड़ के। इतनी सारी नदियाँ और इतना सारा जल का भंडार होने के बावजूद हम प्यासे हैं। जल की उपलब्धता तो है हमारे पास, लेकिन जल की गुणवत्ता नहीं। जो भी यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स हैं, हैंड पंप का लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें आयरन का कंटामिनेशन ज़्यादा मिल रहा है, 3 mg/L से ऊपर ही है, और आयरन के साथ साथ आर्सेनिक भी कम से कम 200 से 400 ppb के आसपास मिल रहा है, और बैक्टीरिया भी पाया जा रहा है, जो एक काफ़ी खतरा दिख रहा है फॉर फ्यूचर के लिए। भारत की सरकार कहती है, BIS का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि आपका 50 ppb अगर आर्सेनिक होता है तो आप पी सकते हो। WHO कहता है कि 10 ppb और आजकल शायद 5 ppb कर दिया है कि आर्सेनिक अगर है तो आप पी सकते हो। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ 400 ppb तक, 600 ppb तक आर्सेनिक मिलता है। कुआं का पानी पहले पीते थे जब पेट में गैस वगैरह नहीं होता था, जब से चापाकल का पानी पीने लगे आदमी पेट में गैस ज़्यादा होने लगा, खाना जो हजम पचता नहीं है। आयरन युक्त पानी का अधिक व्यवहार करने से, अधिक दिनों तक व्यवहार करने से डाइजेशन प्रक्रिया में कमी आ जाती है, लोगों का भोजन ठीक से पच नहीं पाता है, जिसके चलते अन्य बीमारी लोगों के साथ हो जाती है। आर्सेनिक का जब असर होता है तो सबसे पहले हाथ के तलहत्ती में गोलाकार वो चकती जैसा दिखाई देने लगता है, पैर के तलवे में गोलाकार दिखाई देने लगता है, नाखून उसके खुरखुरेदार होने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे वो लीवर को अटैक करता है और लीवर कैंसर में वो परिणत हो जाता है, किडनी पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। चापाकल का पानी टेस्ट करने के लिए वाटर एक्शन संस्था द्वारा हमको जानकारी मिला कि जिसमें ये शीशा का गिलास ले लिया जाए, उसमें अमरूद का पत्ता नरम मिस करके उसमें डाल दिया जाएगा, अगर ये वो पानी ख़राब होगा तो पानी नीला हो जाएगा, पानी अच्छा रहेगा तो नीला नहीं होगा, ये पानी अच्छा नहीं है, नीला हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हम लोग पानी पी रहे हैं वो बिल्कुल ख़राब है। एक डॉक्टर हैं, आर्सेनिकोसिस पर विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर कुणाल कांति मजुमदार, जो KPC मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के प्रोफेसर भी हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पर एक कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप में उनको बुलाया था, इनवाइट किया था, ताकि यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं उन पेशेंट को, कि बहुत लोगों के स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दाग आ रहा है, उसके पीठ पर कुछ दाग आ रहा है, कुछ पैर में उसके पहचान आ रहे हैं, कुछ उसके अंगुलियों के निशान में कुछ पाया जा रहा है यहाँ पर,
कुछ चेहरे पर आ रहा है दाग। 124 पेशेंट की जांच हुई जिसमें 7 मिल गया, यानी 5% कैंसर के डिजीज हैं यहाँ। मेरे गांव में तो लगभग 17 से 18 व्यक्ति कैंसर पीड़ित होकर मर चुके हैं। पहली बात यह है कि पश्चिम चंपारण को स्टेट गवर्नमेंट जो है आज तक डिक्लेयर नहीं किया है कि इस जिले में वाटर क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम्स भी है। इनिशियली वी वर टोल्ड दैट देयर हैज बीन नो अल्टरनेटिव, पीपल हैव बीन सर्वाइविंग ओनली ऑन हैंड पंप्स, व्हिच वाज स्लाइटली डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। वी स्टार्टेड प्रोबिंग फर्दर, पुशिंग पीपल, टॉकिंग टू द एल्डरली, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज इट अर्लियर। And with great difficulty, we found that there were couple of these traditional system, like for instance Dagwell, still around, and they were alive largely because there is a tradition in North Bihar where when the newlywed they come into the village, they are first taken to the Dagwell for some puja. We started testing the water of the Dagwell, and then we realized that the hand pump, which was close to the Dagwell, had arsenic in it. And the dugwell was not having arsenic. The same hand pump had arsenic and iron, and the dugwell was not having any iron or arsenic. So we thought maybe this is one which has given us this result. Let's try looking at the same district, other villages also. बड़ी मदारपुर में हम लोगों ने नवनिर्मित कुएं का पानी को आयरन और आर्सेनिक दो तरह का जांच हम लोगों ने किया। जांच के दौरान कुएं के पानी में आर्सेनिक तनिक भी नहीं मिला और आयरन भी मानक से कम पाया गया। उसी जगह जो चापाकल कुएं के बगल में है उस पानी को भी हम लोगों ने जांच किया तो जांच के दौरान वहां आयरन 3 से भी ज़्यादा हमको मिला, आर्सेनिक की मात्रा 100 पार्ट पर बिलियन वहाँ मिला। कुआं हम लोग का समाधान है, ग्राम पंचायत राजमदारपुर का 5 नंबर वार्ड मेरा है, उसमें 2 कुआं है, तब हम लोग कुआं का पानी पीना शुरू किए हैं। कुआं के पानी से गैस प्रॉब्लम होता तो वो समस्या दूर हो चुकी है, चर्म रोग भी धीरे धीरे अब देखते हैं सुधार है। द पैटर्न इन विच दे ड्रॉ वाटर, द होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पानी तोड़ना, इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ वाटर। सो व्हाट डू पीपल डू इज दे टेक द बकेट, नॉर्मली दे यूज आयरन बकेट, दे थ्रो इन द बकेट इनटू द डगवेल, दे फिल द बकेट, they pull it up and they throw it back again, they pull it up and they do it about twice, thrice, and then they finally put on the water. So you ask them as to what you're doing, they say no, we're trying to get fresh water, and the fresh water will come when you break the water. Science comes in and says that the breaking is basically oxidation, and when the oxidation happens, ferrous turns into ferric and it precipitates. And while it's precipitating, it takes the arsenic along with it and it precipitates and it goes and settles down in the bottom of the dugwell. So the water is arsenic and iron free. जब एक बार कुआं फिर से खड़ा हो जाएगा तो कम से कम 100 वर्ष तक की जो पीढ़ी है हमारी सुरक्षित होगी और उनको साफ पानी मिलेगा, आर्सेनिक फ्री और आयरन फ्री, और बैक्टीरिया का कभी कभी होने का चांसेस तो आ जाते हैं क्योंकि ओपन वेल है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने क्लीनिंग का, उड़ाही का हर 3 महीने पर एक प्रोसेस है, लोगों का अपना श्रमदान है, उस श्रमदान के द्वारा पूरे कुएं का मैनेजमेंट किया जाता है। इन द सेम एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार, लार्जली इन द मिथिलांचल एरिया, देयर यूज्ड टू बी अ फेस्टिवल कॉल्ड धूल शीतल। दिस वाज समवेयर अराउंड होली, दैट एवरी ईयर द कम्युनिटी यूज्ड टू कम टुगेदर एंड क्लीन द डगवेल। जब हम लोग इकट्ठे होते हैं उसको पानी निकाल देते हैं, उसके बाद चूना उसमें डाला जाता है और दूसरे दिन उसका उड़ाई तुड़ाई करके फिर पानी निकाल दिया जाता है। उसके बाद में जो पाउडर है ड्रेसिंग पाउडर, उसको दूसरे डोज डालकर फिर उसको उड़ाकर साफ कर दिया जाता है। उसके बाद नीम के पत्ते हैं उसको ऐसे शुरू कर उसको काट कर मैंने थूर थूर कर उसमें डाल दिया जाता है, और डालने के बाद उसको उड़ाई पुड़ाई करके फिर पानी निकाल दिया जाता है। उसके बाद में थोड़ा तुलसी का पत्ता होता है उसको डाल दिया जाता है उस पर, उसके बाद थोड़ा मोड़ा पानी निकलता है और साफ कर देने के बाद उसका पानी का यूज किया जाता है। नाउ
I don't know whether people then knew arsenic. I don't know people then knew iron. I don't know people then knew the interaction between arsenic and iron. But that practice which was there continues. In the sense, the concept is there, right? And that is the reason why hand pumps today are yielding iron and arsenic water, and dug wells are yielding iron and arsenic free water. यहाँ के जो भूगर्भीय ज्ञान को जो लोग समझे हैं, जो लोग पानी के काम में हमारे हाथ बटाते हैं, जो अपने इस सवाल को इस समाधान की तरफ लोगों को ले जा सकते हैं, वैसे चिन्हित करके इस गांव के कम से कम 25-30 लोगों का एक हम लोगों ने टीम बनाया, जिसका एक नाम रखा भूजल दूत। उनको हम लोगों ने भूजल का एक ट्रेनिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, जो एक्वीफर मैपिंग का ट्रेनिंग था। उसमें हाइड्रो मार्कर से हम लोगों ने भूगर्भीय संरचना को समझने का प्रयास किया, एक्वीफर को समझने का प्रयास किया, ताकि यहाँ के लोग अपने भूजल को जान सकें। जब हम तेरी गांव में रिसर्च करने आए, तो सबसे पहले हम तीनों टोलों में एक एक हैंडपम्प के पहचान की और समझने की कोशिश की कि किस किस प्रकार के कैसे मिट्टी और कैसे लेयर मिला। जब गांव के लोगों ने हमको बताया अपने मिट्टी का प्रकार और लेयर, तो हमें पता चला कि ये गांव एक ही एक्वीफर पर बसा हुआ है, एक ही किस्म का पानी तीनों टोले में होंगे जिसमें ये आयरन आर्सेनिक बैक्टीरिया जो मिल रहे हैं। अमृत के पत्ते से जाँच करके बताए, तब लोगों ने अपना हैंडपम्प को इस्तेमाल करना कम कर दिए और कुआं के पानी पर अपना निर्भर होने लगे। मेरा नाम श्वेता कुमारी है, मेरा उम्र 15 वर्ष है, मैं भूजल दूत हूँ और गांव-गांव जाके मैं भूजल क्या है, भूगर्भ क्या है, पानी के बारे में, आप ये जो पी रहे हैं आर्सेनिक आपके लिए खतरनाक है, आप कुआं का जल यूज कीजिए, तो ऐसे ही हम लोग सब में ज्ञान बांटते हैं। कोई कोई लोग बोलते हैं क्या आप लोग तो फिर से हम पहले जैसे हम पूर्वजों लोग कुआं का पानी पीते थे, आप लोग तो अब फिर से तख्ता पलट कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं, तो उस पर मैं बोलती हूँ क्या कि चापाकल जो है आपके लिए हानिकारक है, उसमें आर्सेनिक है। कुआं का जल अगर अच्छा है तो तख्ता पलट होने से क्या होता है, वो जीवन के लिए अच्छा है तो वही ना अच्छा है। तो लोग बोलते हैं हाँ ये तो ठीक है, लेकिन इसमें कौन सहयोग करेगा, कौन कुआँ बनवाएगा। तो हम बोलते हैं आप लोग सहयोग कीजिए, कुआँ बन सकता है। 6 जून को जो पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो यह बात सामने आई कि सरकार वहाँ वहाँ जो पानी निकाल रही है, जहाँ से पानी निकाल रही है, उस पानी का जो है वो सर्वे नहीं कर रही कि इस जगह का पानी जो है आर्सेनिक इसमें है कि नहीं है, इसमें आयरन है कि नहीं है, इस तरह का मतलब छानबीन करके वो पानी सप्लाई का पानी लोगों तक नहीं पहुँचा रही। अगर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो है मात्र एक ही परंपरागत स्रोत है, वह है कुआँ का जल। The villagers were absolutely unaware of the fact that they were consuming water which had high levels of arsenic. When they were informed about the safe sources and the unsafe sources within the village, they started interacting with the panchayat. The mukhya started showing interest in knowing more so that a case could be made. Ward Sadasya is also getting quite excited about it. So it is about taking an information which has the potential to impact human lives, and then they are using it in a way that they could go around and institutionally approach the problem. And today they are equipped enough to take it to a level where they actually are demanding for dug wells. आज पूरे इलाके में यहाँ पर लगभग 90% लोग, 95% लोग भूगर्भीय जल पर ही निर्भर है, चाहे उनकी सिंचाई व्यवस्था हो या पीने के तमाम जो पानी के जो उपाय हैं वो भूगर्भीय जल पर है। इसलिए भूगर्भ को समझना होगा, एक्वीफर को समझना होगा और यहाँ पर भूगर्भीय जल को समझना होगा। तो जो व्यक्ति जल को नहीं समझता है वो अपने जीवन को नहीं समझ सकता है। लोगों को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। लोग जो चापाकल की ओर जो आकर्षित हो गए हैं, वो उनके लिए, समाज के लिए, गांव के लिए ये जानलेवा है। हम ये बदलाव देखना चाहते हैं कि गांव में कोई बीमार नहीं रहे पानी की वजह से, आर्सेनिक की वजह से, सब लोग कुआं का जल पिए और सब लोग सुरक्षित रहे, बीमारी से बचे रहे। इस पूरे ट्रांस बाउंड्री के इलाके में, पश्चिम चंपारण का जो ट्रांस बाउंड्री है, 5 ब्लॉक्स इसमें आते हैं, कम से कम 100 गाँव हैं। 100 गाँव के 1000 कुएँ पर हम भविष्य के लिए काम करने के लिए सोच रहे हैं कि वहाँ तक हमारी एक बात जाए
और 1000 कुएं खड़े हो जाएं फिर से, ताकि ड्रिंकिंग वाटर का जो सोर्स है एक धरोहर के रूप में उसको हम लोग पुनः जीवित कर सकें और कुआं को फिर से स्थापित करें, जो आयरन आर्सेनिक फ्री बिना खर्च का घर घर कुआं का जल, इस पर हमारी एक जो सपना है इसको हम पूरा करें।